हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खस्ता बना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने 150 ग्राम मावा ले लिया है। ये घर का बना हुआ मावा है। अगर आप मार्केट का मावा यूज कर रहे हैं तो उसे पहले भून कर यूज करें। तो अब हमने गैस पे पैन रख दिया है और इसमें आधा चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें 1/4 कप बादाम डाल देते हैं। बादाम को कम आंच पे भूनना है और बादाम को हमने कद्दूकस करके यूज किया है। तो अब इसमें 1/2 कप नारियल पाउडर भी डाल देंगे। नारियल को भी हमने कद्दूकस करके यूज किया है और उसे भी कम आंच पर हल्का भून लेंगे ताकि सुनहरा कलर आ जाए ड्राई फ्रूट्स में। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे काजू, पिस्ता, जो आपको पसंद हो। तो नारियल और बादाम जो है हल्का भून चुके हैं, सुनहरा कलर आ गया है। अब इसे मावे में डाल देंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने मावे में डाल दिया है। अब मावे में पिसा हुआ चीनी पाउडर डाल देंगे 1/2 कप, साथ ही 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से फ्लेवर अच्छा आता है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो गुझे का मसाला तैयार है। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब आटा तैयार करेंगे। उसके लिए 1.5 कप मैदा ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मीठे में नमक जब रहता है तो इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो अब इसमें 4 चम्मच घी डाल देंगे। घी को हमने मेल्ट कर लिया था और अच्छे से मिक्स करेंगे। घी की जगह आप रिफाइंड तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी ज़्यादा अच्छा होता है, तो हो सके तो घी का ही यूज करें। अच्छे से मिक्स करना है घी को। घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे गूंथ लेंगे। तो हमने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। पानी से अच्छा दूध का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। दूध से बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। जब आप इसे कंटेनर में रखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं सूखेगा। पानी के यूज करने से बहुत जल्दी इसके कवर जो है वो ड्राई हो जाते हैं और दूध से बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से इसे गूंथ लिया है, सॉफ्ट कर लिया है आटे को। आटा तैयार है गुझे का। तो छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे और पेड़े को हाथों से मसल कर चिकना कर लेते हैं। जितना बड़ा आपको पूड़ी तैयार करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़े नहीं लेने हैं, छोटे लेने हैं। तो अब इसे थोड़ा सा मैदे में लगाएंगे ताकि पूड़ी बेलते वक्त बिल्कुल नहीं चिपके। तो पतला पूड़ी तैयार कर लेना है, क्योंकि मैदा जो होता है वो बहुत जल्दी सिकुड़ता है, तो इसलिए पतला बेलेंगे। तो हमने पतला पूड़ी तैयार कर लिया है। अब इसे गुझे के सांचे पे रख देते हैं। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक साइड में ही आपको गुझे का मसाला रखना है, दोनों साइड नहीं रखना है। हमने 1 चम्मच गुझे का मसाला इसमें रखा है और अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो गुझे का मसाला अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके चारों तरफ पानी लगा देंगे। पानी से गुझिया खुलेगा नहीं, अच्छी तरह से चिपकेगा। और पीछे भी ध्यान देना है, अगर पीछे लग जाएगा तो गुझिया दबाते वक्त कट जाएगा, जिससे कि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो सारे मसाले तेल में गिर जाएंगे और सारा तेल खराब हो जाएगा। तो अब इसे खोल लेते हैं। बहुत ही अच्छा गुझिया तैयार है। ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे तो बहुत ही सुंदर गुझिया बना है। आप इस ऐसे ही सारा गुझिया तैयार कर लेंगे। तो अब गुझे को हम डीप फ्राई करेंगे। तो तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म होना चाहिए तेल। और गैस का फ्लेम लो मीडियम होना चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पे इसे तलेंगे। तो दोनों साइड पलटकर तुरंत ही पलटना है। अगर आप तुरंत नहीं पलटेंगे तो एक साइड फूल जाएगा और जब आप इसे पलटेंगे तो दोबारा दूसरी साइड अपने आप ही पलट जाएगा।
तो तुरंत ही इसे पलटते रहना है। देखिए कलर आ गया है सुनहरा, लेकिन अभी इसे और भी सुनहरा कर लेंगे। तो बहुत ही खस्ता ये गुजिया बनता है, बहुत अच्छा कलर भी आ गया है सुनहरा। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो आप इस होली में जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे बहुत ही ज़्यादा खस्ता गुजिया बनेगा आपका। तो हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा बैच भी तैयार हो गया है, बहुत ही खस्ता गुजिया बना है। और अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे तो मेहमान भी आपसे बहुत खुश होंगे और वो जरूर पूछेंगे कि आपने ये गुजिया की रेसिपी कैसे बनाई। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।